ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल एक्सप्लोर बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी चाहे आप क्लास फोर्थ में है, फिफ्थ में है, थर्ड में है, सिक्स्थ में है और चाहे इलेवेंथ और ट्वेल्थ में है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन थ्योरी एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी कि हमें हमारे जो यूनिवर्स हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ है. ओरिजिन मीन्स कैसे हमारा ब्रह्मांड बना, कैसे हमारी अर्थ बनी, कैसे सारे प्लैनेट्स आए. उस थ्योरी को इमेजिन किया, उस थ्योरी को एक्सप्लोर किया है बेसिकली बिग बैंग थ्योरी ने. बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि किस तरह से जो यूनिवर्स है वहाँ पास्ट में किस तरह से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ और किस तरह के मॉडल्स के थ्रू हमारी अर्थ, हमारी जो प्लैनेट है, यूनिवर्स है, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है. सो दिस थ्योरी, लेट्स एक्सप्लोर दिस थ्योरी. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इट इज़ द थ्योरी दैट यूनिवर्स ओरिजिनेटेड सम टाइम बिफोर 10 मिलियन और 20 मिलियन. मीन्स आज से 10 मिलियंस और 20 बिलियंस ईयर्स पहले एक एक्सपेंशन के थ्रू. एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ है कि बढ़ते, एक छोटा सा मैटर था, छोटा सा ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर में बेसिकली एक्सप्लोजन हुआ. वहाँ पे एक वो एक्सप्लोजन मीन्स वहाँ एक विस्फोट हुआ. उस विस्फोट के थ्रू इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं, एक बहुत ही हाई डेंसिटी और टेम्परेचर पे इस तरह से एक्सप्लोजन हुआ. इसके एक्सप्लोजन के रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एक्सप्लोजन्स में क्या हो गई, सारे बेसिकली यूनिवर्स के पार्टिकल्स हो गए. बिग बैंग थ्योरी को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे. जिस तरह से एक पॉइंट है, लाइक जैसा आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के एक्सप्लोजन से बहुत ही ज़्यादा डेंस, ये पॉइंट बहुत ही डेंस था एंड बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे. अब इस पॉइंट पे क्या हुआ कि इसके एक्सप्लोजन के फलस्वरूप बहुत सारे, ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यूनिवर्स पे बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रिलीज हुए इस तरह से. और इनमें बेसिकली इनके रिलीज होने के बाद में अप्रॉक्स 384,000 के बाद में टेम्परेचर नॉर्मल हुआ यूनिवर्स का, सो दैट फेवरेबल सन कंडीशंस आई. और जब फेवरेबल कंडीशंस हुई तो मैन की मॉलिक्यूल्स, एज यू नो दैट ईच एंड एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ विथ मॉलिक्यूल्स एंड ह्यूमन लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ विथ सेल्स. सो इसके बाद में सेल्स के स्ट्रक्चर्स हुए, मोल्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए. सो इफ़ वी कंक्लूड, द बिग बैंग थ्योरी टेल्स अस अबाउट यूनिवर्स. जब बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताती है कि कैसे एक सिंगल कॉस्मिक एक्सप्लोजन से, कैसे एक पार्टिकल के एक्सप्लोजन से इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है. कितने साल पहले हुआ था? 15 मिलियंस ईयर्स अगो. आफ्टर दैट हमें ये पता चलता है कि बैकग्राउंड्स पे रेडिएशंस है, एनर्जी. आपने देखा होगा कि एनर्जी, बिग बैंग हमें ये चीज़ बताती है कि एनर्जी हर जगह पे, उस एक्सप्लोजन के थ्रू जो एनर्जी निकली थी वो आज भी सभी जगह पे वो एनर्जी प्रेजेंट है रेडिएशंस के फॉर्म पे. इट इज़ प्रूवन, साइंटिस्ट ने इसे बेसिकली डिस्कवर भी कर लिया है. अगेन ग्रेविटी जो थी, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को, ग्रेविटी ने सारे चीज़ों को अफेक्ट करना शुरू कर दिया. दैट्स वाई ग्रेविटी के कारण ही हमारी अर्थ जो है, या सन का जो क्रिएशन है, बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ही क्रिएट हुआ. हबल्स लॉ, हबल्स लॉ इज़ द, ही इज़ द फादर अवे द फास्टर, इट इज़ द रिकॉर्डिंग. ऐसा मूव, इसके अकॉर्डिंग ये मूव किया हबल्स लॉ में. ये बेसिकली नोटिस किया गया है कि बेसिकली जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से बहुत ही फास्टर वे पे दूर जाती जा रही हैं. एंड गैलेक्सी के बारे में ये भी कहा गया है कि हमेशा ये जो मूविंग, हमेशा अर्थ से भी और सारी चीज़ें से, अर्थ जो हमारी गैलेक्सी है उसका एक्सप्लोजन हो रहा है और इसे हम देख भी सकते हैं. हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी एक्सपेंड हो रहे हैं. सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, दैट द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग टिवर्ड्स द मैनी थिंग्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिग बैंग थ्योरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है क्लास फोर्थ में, क्लास फिफ्थ में, सिक्स्थ में, इलेवेंथ ट्वेल्थ तक भी ये पूछा जाता है. सो बिग बैंग थ्योरी पे आप क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ द यूनिवर्स हैज़ क्रिएटेड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ द सिंगल पार्टिकल. जैसा आप यहाँ पे सेंटर पे देख सकते हैं, इस तरह के सेंटर पे यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ था. उस एक्सप्लोजन के थ्रू मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज बन गई, बहुत सारे हमारे ब्रह्मांड पे बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें से एक छोटा सा सिस्टम हमारा क्या है, अर्थ भी है. सो ये है बिग बैंग थ्योरी.
थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू सो मच. एंड वी आर अपलोडिंग ऑल द टॉपिक वाइज वीडियोज ऑफ CBSE, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज ऑन टाइम. थैंक यू.